أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. हम कर रहे हैं सीरत नबी के डिफरेंट पहलू. हमने लास्ट वीक किया था नबी सल्लम की पहली शादी खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के साथ, और उसके बाद आज हम करेंगे अबाउट द बिल्डिंग ऑफ काबा, काबा की तामीर. और नबी सल्लम की उम्र लगभग 35 साल की है इस वक्त. ठीक है, हमने नबी सल्लम की हयात मुबारका के अब तक जितने साल कवर किए हैं उसमें उनका बचपन, उनका पैदा होना और उनका अटेंड करना उनके डिफरेंट यू नो सुभानअल्लाह पेरेंटहुड जिससे वो गुजरे, और सुभानअल्लाह फिर उनकी शादी तक. ठीक है, और अब हम आते हैं बिल्डिंग ऑफ काबा. सबसे पहले तो अभी रिसेंटली भी ये बात निकली थी कि काबा दो बार डिस्ट्रॉय हुआ और फिर दो बार रीबिल्ड हुआ, और सब कह रहे थे कि दो बार कब हुआ, कैसे हुआ. तो मैं ये सोच रही थी कि बहुत अच्छी बात है कि हम इसको जरा डिटेल में डिस्कस भी करें, समझें भी, और इसको पता करें कि कब और कैसे हुआ था. बेसिकली अगर क्विक रेफरेंस चाहिए ना कि दो बार क्या हुआ था, पहला रेफरेंस है दो बार में सिंपल, एक बार फ्लड्स आ गए थे और एक बार आग लग गई थी. दो इंसिडेंसेस हैं. काबे में एक बार आग लगी थी जिससे जल गया था, तबाही हो गई थी, और एक बार ज्यादा बारिश होने से फ्लड्स आ गए थे और फ्लड्स की वजह से सब कुछ बह गया था. ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आग कैसे लगी थी ये मत बैठ के सोचें कि किसी ने आग लगाई थी, दुश्मनी की थी, क्योंकि उस वक्त तो सब कुछ पीसफुल था. हुआ ये था कि एक औरत खाना पका रही थी. ठीक है, और जब वो खाना पका रही थी उसका घर था बिल्कुल काबे के बाहर. अब जो आप काबा देख रहे हैं, आप देखते हैं कि काबा हरम की एक जमीन में बीचों बीच में काबा है. ठीक है, लेकिन हरम की जमीन को इतना फैला दिया है कि वो जा मिली है सफा मरवा से. आपको मैंने पहले भी बताया कि हरम उस वक्त इतना बड़ा नहीं था. ठीक है, और सिर्फ जो काबे का अतराफ का हिस्सा है वो काबे की हरम कहलाता था. फिर काबे से बाहर जाना पड़ता था, काबा वाज लाइक अ मस्जिद, उसका मस्जिद का इहाता था. फिर उससे बाहर जाना पड़ता था टू गो टू सफा मरवा. ठीक है, तो उस जमाने में करीब करीब घर होते थे लोगों के. ये तो लोगों ने तो बसेरा किया हुआ था नजदीक नजदीक ही. बाद में इन घरों को हटाया गया और जमीन को रिक्लेम करते गए, इन लोगों को हटा के दूर करते गए और रिक्लेम कर करके इन्होंने इतना इहाता अपना खुला किया. ठीक है, उस वक्त ऐसा नहीं था. और उस वक्त कैसा था कि घर आबादी आसपास चारों तरफ थी काबे के. ठीक है, अच्छा, अब आपको ये समझना चाहिए कि मक्का जो है, मक्का बाय इटसेल्फ इज लाइक अ इट्स बेसिकली इट्स इन अ बेसन. ऐसे है, अगर आप देखें मक्के को मैप में, इट्स लाइक दिस बिटवीन ऑल द माउंटेन्स. ये पहाड़ियां 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 हैं और ऐसे बीच में यूं मक्का है. ठीक है, इट्स लाइक अ बेसन. तो पहला किस्सा तो ये हुआ, पहला तो ये बताऊं. अब मैं बेसन का क्यों बता रही थी वो भी समझाती हूँ. और ये इहाता छोटा था और सब आस पास थे. तो एक औरत खाना पका रही थी,
और खाना पकाते पकाते उसके चूल्हे के पास कोई कपड़ा रह गया, कपड़े ने आग पकड़ी। जब उसने आग पकड़ी तो बाकी स्ट्रॉ था, उसके घर की दीवारें स्ट्रॉ थी, पर्दे में लगी, पर्दे से स्ट्रॉ में लगी, उससे आगे भड़की। और आपको पता है कि काबे को तब भी एक लिहाफ से उड़ा के रखते थे, ठीक है, ब्लैक था, वाइट था, उस जमाने में वाइट हुआ करता था, पर लिहाफ में रहता था हमेशा, उसको कवर कर दिया करते थे। उस कपड़े को आग लगी, जब वो आग फैली बाहर निकली, काबा वॉज जस्ट द फर्स्ट प्लेस, और वो फैलते फैलते उस कपड़े को आग लगी और काबे को आग लग गई, और इस तरह काफी डैमेज हुआ पर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ पूरी तरह से, ठीक है, काबा ढा नहीं गया और काबा पूरा डिस्ट्रॉय नहीं हो गया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर एक इमारत जल जाए तो वो डैमेज हो गई ना, उसमें डैमेज तो हो गया ना, तो ये पूरी जैसे वो उस मस्जिद को, उस काबे को आग लग गई थी और उससे उसको काफी डैमेज और काफी काफी नुकसान हुआ था। तो ये तो पहला काबे का एक डैमेज था। मक्का बीइंग अ बेसिन, ओके, डीप बिटवीन यू नो माउंटेन्स, ओके, सो व्हेन द रेन्स केम, जब बहुत बारिश पड़ती है, आप सोचें किन जगहों पे पानी ज्यादा जमा होता है, जो नीचे ढलान की तरफ होते हैं, पानी हर तरफ से उधर आके जमा हो जाता है, इधर से उधर से उधर से इधर से सब जगह से आ आके उधर जाता है जहां बेसिन जैसी जगह हो। तो जब ये ऑब्वियसली बारिश ज्यादा पड़ी, सैलाब आने लगा, पानी भरने लगा और जगहों से भी पानी आकर इसमें गिरने लगा, हत्ता के इतना बरसा के एक तो नीचे पानी बरस बरस के जमा हो गया, दूसरा ऊपर से जो बारिश इतनी पड़ी कि इट डिस्ट्रॉयड द रूफ ऑफ द काबा, काबा लीक करने लगा, उसका जो रूफ था वो लीक करने लगा। अच्छा, और उसकी जो ऑब्वियसली जब काबे की छत लीक करने लगी तो उसके दीवारों में दरार और आ गई, उसमें क्रैक्स आ गए, ठीक है, दीवारें डिस्ट्रॉय होने लग गई। एंड इस तरह से जब दीवारें पूरी क्रैक हो गई, और आपको पता है पानी आने लग जाता है किनारों में, कोनों में, बीच में से, क्योंकि जब छत में भी लीक हो जाए, दीवारों में आ जाता है, और दीवारों में ज्यादा पानी बीच बीच में जमा हो तो दीवारें भी फटने लग जाती है। तो क्या हुआ कि काबा पार्शियली डिस्ट्रॉय हो गया। अब आप सोचें कि पहले तो आग ने डिस्ट्रॉय किया था काबे को, फिर उन्होंने कुछ, उस वक्त तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि इसकी पूरी कोई मरम्मत करते, तो उन्होंने थोड़ा बहुत उसको पैचअप करके ठीक कर दिया था। अब तो सैलाब की वजह से, पानी की वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन हो गया था। अब डैमेज नहीं था, अब तो डिस्ट्रक्शन हो गया था, क्योंकि अब रूफ गिरने लगी थी, दीवारें क्रैक हो चुकी थी। आपको पता है अगर छत में यू नो लीकिंग शुरू हो जाए और उसके बाद दीवारों में भी अगर क्रैक्स आ जाएं, तो बिल्डिंग समझ लें आप गिरने को है, बस अब इट्स डिस्ट्रॉयड, वी नीड टू लिफ्ट अप एवरीथिंग, एवरीथिंग हैड टू बी रेनोवेटेड। तो अब तो इनको ये लगा कि अब ये पार्शियली तो डिस्ट्रॉय हो ही चुकी है, सो दे डिसाइडेड टू रीबिल्ड द काबा, ठीक है। उस वक्त काबा में सफा और मरवा बाहर की तरफ होते थे, दे वर नॉट पार्ट ऑफ द काबा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि सफा और मरवा जो था वो आउटसाइड उसमें था, प्रेसिंग्स में था, एक्चुअली इन 1947 सेम थिंग हैड हैपेंड,
अभी रिसेंटली की बात कर रही हूँ मैं, मतलब 1947 इज नॉट वेरी फार गॉन, इट इज इन आवर टाइम्स आई एम सेइंग. In 1947, same thing happened when people, believe me, there was so much flood, they say people were swimming and going around the Kaaba. They swam around the Kaaba, okay? And that time there was a news of, subhanAllah, sail going in Jeddah. That time they were called Jeddah, okay? This is the time when I've come back to, I was just saying that in 1947 also a similar flood took place, and because of the position of Makkah as a city in a basin of between the mountains, and also Kaaba being in the lower area, water got collected in such a way that people had to swim around Kaaba. और उसके लिए बहुत कुछ खबरें आती थी कि लोग तैर के अपने तवाफ कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा, कमिंग बैक टू द टाइम्स ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम, अब हम वही कर रहे हैं कि अब क्या हो रहा है कि डिस्ट्रॉय हुआ है काबा पार्शली. ठीक है, कुछ हिस्सा ऐसा हो चुका है कि अब इसको रेनोवेशन की जरूरत है ही है. अच्छा, अब रेनोवेशन करते वक्त अब क्या हो रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जिसको आपको सुननी है. आप देखते हैं इस वक्त काबा को कि कैसा बना हुआ है, कौन से उस पे पत्थर लगे हुए हैं. ठीक है, और मैं आपको अभी तक बता चुकी हूं कि मक्का इज अ वेरी बैकवर्ड प्लेस. व्हेन आई से बैकवर्ड मींस इट डज नॉट हैव एनी फैंसी बिल्डिंग्स, इट डज नॉट हैव एनी फैंसी आर्किटेक्चर. छोटे छोटे घर हैं, बिजनेस क्लास ऑफ फैमिलीज हैं, मर्चेंट्स हैं. लोग यहाँ पे सिर्फ आते और जाते हैं, बेचते और खरीदते हैं. ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ अ पोर्ट वेयर पीपल कम एंड गो, पीपल ब्रिंग देयर सामान, सेल, डू पिलग्रिम एंड गो बैक. नाउ इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि अब ये इनको बनाना है, बट दे डू नॉट हैव अ प्लान, और दे डू नॉट हैव यू नो एन आर्किटेक्चर in mind of how to do it, nor an architect ready, you know, to put things in place. Is darmiyan mein us zamane mein Jedda ko Jeddah kehte the. Theek hai, so they here ke Jeddah mein ek sale lagne wala hai. Theek hai, us zamane ka jo Caesar tha, Caesar of Rome, उस जमाने का जो कैसर रोम था, ओके, उसने डिसाइड किया कि मैं एक बहुत मैसिव चर्च बनाऊंगा यमन में. ठीक है, अब उसने कुछ हिस्सा यमन का कॉन्कर कर लिया था. किसने? सीजर ऑफ रोम ने. ठीक है, तो कैसर रोम ने एक हिस्सा यमन का कॉन्कर कर लिया था. उसने कहा कि अब उसको अपनी छाप बिठानी थी, और आपको मैंने बताया था कि ही वॉज अ ऑब्वियसली रोमन कैथोलिक था, और उसको यही था कि मुझे सबसे पहले तो वहां पे एक बहुत बेहतरीन बड़ा सा चर्च बनाना है. ठीक है, उसने जब डिसाइड कर दिया कि सबसे बड़ा बहुत ब्यूटीफुल बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ और बेहतरीन मटीरियल के साथ मुझे एक बहुत बड़ा चर्च बनाना है, अपनी वो यू नो बड़ाई को छापने के लिए उस जगह के लिए. ठीक है, और उसने रोम से ये सप्लाईज सारे एक शिप में डाले, एंड इट वाज हेडिंग टुवर्ड्स यमन. ऑल द सप्लाईज वर सपोज टू गो टुवर्ड्स यमन, और वहां जाकर ये सामान उतरता और यहाँ बहुत बड़ा चर्च बनना था. ठीक है, तो ये सारा प्लानिंग चल रहा था साइड में. आपको पता है कि उस जमाने में, मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ और फिर बार बार रिपीट करके रिमाइंड करूंगी, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री इन दैट टाइम. देयर वर ओनली टू लार्ज एम्पायर्स एट दैट टाइम. सबसे बड़े एम्पायर्स जो उस वक्त थे वो दो ही थे. ठीक है, एक पर्शियन एम्पायर था और एक रोमन एम्पायर था. तो कौन से दो बड़े एम्पायर्स थे? एक पर्शियन एम्पायर और एक रोमन एम्पायर, और इनकी टग ऑफ वॉर चलती थी. क्यों? पर्शियन एम्पायर में
फायर वर्शिपर्स थे। रोमन एम्पायर जो था वो कैथोलिक था और इनकी आपस में नहीं बनती थी, कॉन्स्टेंटली इनकी आपस में प्रॉब्लम चलती थी, ठीक है। सो देयर वाज ऑलवेज वॉर बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो जंग जारी रहती थी। हुआ क्या था कि जो पर्शियन किंग था उस जमाने में, उसने एक चर्च गिराया था इनका, ठीक है। उसने पर्शिया में कोई चर्च इनका गिरा दिया था कि आई विल नॉट लेट क्रिश्चियनिटी, वो उनकी आपस की जंग जो चल रही थी, ठीक है। तो उस जंग में उसने एक चर्च गिराया था। उसकी जवाब में द रोमन एम्पायर डिसाइडेड कि मैं इसको इसका सही जवाब दूंगा, और बेहतरीन जवाब यही है, इसने मेरा चर्च गिराया है, मैं यमन में जाकर इतना बड़ा चर्च बनाऊंगा कि फिर ये देखेगा, इसने एक छोटा सा चर्च मेरा गिराया है, मैं इससे कहीं ज्यादा बड़ा एक चर्च यमन में बनाऊंगा और फिर ये देखेगा। अब क्या हो रहा है कि वो सारा सामान लोड हो चुका शिप में और वो शिप चल पड़ा यमन की तरफ जाने के लिए, और उसमें बेहतरीन सामान, आर्किटेक्ट और सारा प्लान सब कुछ उसके साथ जा रहा है, एंड दैट इज ऑल गोइंग टू यमन फॉर अ बिग चर्च टू बी बिल्ट, ठीक है। अब हुआ ये कि सीजर जो था, देखिए हम भी ऐसे होते हैं ना, हमारे यहाँ भी ऐसे होता है ना कि हम सोचते हैं मस्जिद मुझे गवर्नमेंट के पैसे से नहीं बनानी, मुझे अपने पैसों से बनानी है क्योंकि मुझे अपने लिए अजर चाहिए। तो उस जमाने का जो ये सीजर था उसने भी यही सोचा कि अगर मुझे ये इतना बड़ा चर्च बनाना है और बेहतरीन चीजों से बनाना है तो मैं अपने पैसों से बनाऊंगा। तो ही वॉज यूजिंग हिज ओन पर्सनल वेल्थ टू मेक दिस बिग मैसिव चर्च इन यमन, ओके। एंड ही वॉज फाइनेंसिंग एवरीथिंग, यू नो, बेस्ट ऑफ ब्रिक्स, बेस्ट ऑफ वुड, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट स्ट्रक्चर टू टेक प्लेस, समझ रहे हैं, ठीक है। कि बेहतरीन लकड़ी, बेहतरीन ब्रिक्स, हर चीज बेहतरीन उसमें यूज हो, और वो सब अपने पैसों से दे रहा था। लेकिन हम क्या कहते हैं कि अल्लाह जो है वो बेस्ट ऑफ प्लानर्स है और उसके पास कुछ अपना ही प्लान रहता है। हम कुछ प्लान करते हैं, अल्लाह की कुछ और प्लानिंग होती है, ठीक है। हुआ मकरल माकरीन, सब प्लानर्स में से सबसे बड़ा प्लानर है, ओके, सुभान अल्लाह। तो हुआ क्या कि शिप जो था जब वो चला वहां से रोम से, वो फंस गया तूफान में, पानी के तूफान में, ठीक है। और जब शिप पानी के तूफान में फंसा, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि उस वक्त सैलाब आ रहे थे, बारिशें पड़ रही थी, पानी में भी तूफान आया, जब वो पानी के तूफान में शिप फंसा तो शिप काफी कुछ डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि पानी आ गया, चीजें कुछ खराब हो गई और वो शिप को आगे नहीं, और शिप में डिस्ट्रक्शन हो गया ना। तो आप जब शिप, अगर शिप नीड्स रिपेयर, यू कैन नॉट कीप सेलिंग इन द सी, नियरेस्ट पोर्ट पे आपको उतर जाना पड़ता है, ठीक है, ताकि आप उसको रिपेयर कर सकें, क्योंकि हो सकता है उसकी हर चीज में पानी चला गया था, तो उसकी वजह से उस वो शिप जो था नीडेड रिपेयर। सो वो सारी बस इतना फर्क था कि वो शिप डूबा नहीं, लेकिन इस हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका था कि बस वो डूबने से बच गया, लेकिन बाकी चीजें उसकी खराब हो चुकी थी, ठीक है। और उसका नियरेस्ट पोर्ट था जुद्दा, जद्दा जिसे हम कहते हैं। तो जो भी नियरेस्ट पोर्ट होता है, जब शिप इज इन दैट कंडीशन, इट हैज टू जस्ट टेक एंकर देयर, वहां रुकना पड़ता है ताकि वहां से वो हेल्प ले, कारीगर बुलाए, कुछ रिपेयर करे, या नहीं, और अगर एकदम बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है तो दूसरे, यू नो, सवारी का इंतजाम करे, जो भी है। तो एनीवे, नाउ
थिंग इज कि ये बहुत बड़ा शिप था, कार्गो शिप था ना, ये तो पूरा कार्गो जा रहा था पूरे कंस्ट्रक्शन के लिए, मैसिव एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे चर्च बिल्डिंग बनने वाली थी, ठीक है। अब जब ये जद्दा पोर्ट पे पहुंचते हैं तो ये सारा सामान इनको उतारना पड़ता है, शिप तो रैक हो चुका है, लेकिन अब जो इनको सवारी मिलेगी वो इस काबिल नहीं होगी कि इसमें से ये सामान, आधा पौना सामान जो बचा वो ले जा सके। तो ये सामान सब जब ये उतारते हैं जद्दा पोर्ट पर, तो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, इधर ही पोर्ट पर रखकर ये इसको सेल लगाते हैं, इन सब चीजों को बेच देते हैं, और फिर हम जाकर नए सिरे से आगाज करेंगे इस कंस्ट्रक्शन का, चर्च की कंस्ट्रक्शन का। ये तो अब नहीं हो सकता क्योंकि ये सब आधा रह गया है, आधा डिस्ट्रॉय हो गया है, हम नहीं ले जा सकते, ब्रिक्स वुड सब कुछ इधर उधर हो गया है, ठीक है। और हम इतना सामान लेके टूटी फूटी कश्ती में नहीं जा सकते, तो हमें अगली शिप का जब तक इंतजाम करना पड़े, ये सामान तो खराब हो जाएगा और ये अभी पूरा भी नहीं जिस हिसाब से, जिस प्लानिंग से हम चले थे। तो उन्होंने मजबूरन जिद्दा में रखकर ऐलान किया कि देर इज अ सेल ऑफ दिस मटीरियल। दीज पीपल केम फ्रॉम मक्का टू जद्दा पोर्ट, ओके, टू सी दिस सेल, ठीक है। एंड दे सेड ऑल द कार्गो विथ एक्सपेंसिव मार्बल्स और वुड और स्टोन और स्लैब्स, ठीक है, ये तो कभी अरब के डेजर्ट में किसी ने देखा भी नहीं था। स्ट्रॉ के घर बनाते थे और कच्ची मिट्टी के घर बनाते थे, ज्यादा में ज्यादा लाल ईंटें, ठीक है, बेट ईंटें जो होती थी नॉर्मल सी सादी सी। उन्होंने ये मार्बल फैंसी, और ये जो आप सोचें कि अगर एक रोमन एम्पायर, सीजर ऑफ रोम, वो बैठा है अपने रोमन पैलेस में जिसकी बहुत आलीशान बिल्डिंग है, ठीक है, इफ एनीबडी इज गॉन टू रोम दे वुड रियलाइज दैट आर्किटेक्चर वाज ऑफ क्लास, एवरीथिंग वाज ऑफ क्लास। आज भी उनका कोलोजियम आप देख लीजिए, और जो भी उनका जो स्ट्रक्चर थे, उनके जो महलात थे, बहुत ही ब्यूटीफुल थे और बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल से बने होते थे। तो जो मार्बल, जो स्लैब्स, जो वुड, वो सब लगा, अब आप सोचें, ठीक है, वो तो कभी अरब के इस एरिया में उन्होंने देखा भी नहीं था, ठीक है, जिन्होंने ट्रैवल नहीं किया होगा उन्होंने तो कभी ये देखा भी नहीं होगा। तो जब इनको ये दिखा, ठीक है, अब देखें अरब एरिया में वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, मतलब वो उस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, ठीक है। और अब ये ना ऐसे कोई बिल्डर्स थे, ना ऐसे कोई क्राफ्ट्समैन थे इस कैलिबर के जो इस तरह की कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते मक्का में, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब ये सब इन्होंने सेल करना शुरू कर दिया, बिकॉज द शिप हैज टू नाउ यू नो सेल बैक टू रोम, एंड देयर वाज नथिंग दे कुड डू अबाउट इट। अच्छा, इसके साथ, इस सामान के साथ दे हैड आल्सो ब्रॉट विद देम अ नजार। नजार कहते हैं अ क्राफ्ट्समैन हु इज अ क्राफ्ट्समैन फॉर कंस्ट्रक्शन, उसको नजार कहते हैं। तो ये नजार भी था। नाउ ऑल द वेल्दी मर्चेंट्स ऑफ अरेबिया, ओके, ब्रॉट देयर वेल्थ आउट, ऑल द वेल्दी मर्चेंट्स ऑफ अरेबिया, दे ऑल केम टू सी दिस सेल। जब इन्होंने ये सेल देखा, और ऐसी आलीशान चीजें उन्होंने कभी देखी नहीं थी, उस सारा कंस्ट्रक्शन का सामान, सारे इन लोगों ने अपने अपने वेल्थ निकाले, जद्दा गए, ये सब कुछ खरीदा, और खरीदने के साथ साथ इन्होंने एक और अकलमंदी ये की कि उस नज्जार को भी हायर कर दिया। उस नज्जार को भी उन्होंने कहा कि भाई आप तो इस कंस्ट्रक्शन काम के लिए जा रहे थे, आपका तो काम कंस्ट्रक्शन करना, से आपको क्या फर्क पड़ता है कि आप चर्च बना रहे हैं कि क्या बना रहे हैं, आपका काम कंस्ट्रक्शन का है, और जो भी ये लोग आपको दे रहे थे हम भी आपको वही पैसे देंगे, आप यहीं रह जाओ और आप हमें कंस्ट्रक्ट करके दे दो, क्योंकि सामान हम आपसे खरीद रहे हैं और आपको इस सामान की पहचान है। क्योंकि देखें, अगर वो ये सामान खरीद देते हैं फिर इनके वालों को तो पता नहीं कि इसको जोड़ना कैसे है, इसको लगाना कैसे है। तो वी नीड अ क्राफ्ट्समैन हु नोज अबाउट हाउ टू यूज दैट मार्बल, दोज स्टोन्स, दोज
those wood that they were carrying. ठीक है, ओके, तो इन्होंने नजार को भी हायर कर लिया. अच्छा, अब देखें वो नजार जिसको इन्होंने हायर किया, जो इनके साथ चला था, आप सोचें वो कोई ऑर्डिनरी नजार नहीं था. ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी क्राफ्ट्समैन. ये वो नजार था जो सीजर ऑफ रोम के पैलेस में ट्रेन हुआ था हाउ टू मेक पैलेसेस. ये सीजर ऑफ रोम का खुद ट्रेन किया हुआ नजार था जो पैलेसेस और उनके बिल्डिंग में काम करता था, यानी उनकी बिल्डिंग अप में या उनकी इमारत की तामीर में उनकी मदद करता था. दिस वॉज दैट नजार. तो इन्होंने एक बहुत ही हाई लेवल हाई कैलिबर का नजार हायर किया, वो नजार जो पैलेसेस बनाता था सीजर के, वो नजार इन्हें मिल गया. एंड ही वॉज द मोस्ट क्वालिफाइड क्राफ्ट्समैन. ओके, आप ये देखिए हाउ एवरीथिंग लाइक दिस हैपेंड एंड लैंडेड इन जद्दा ऑफ ऑल द पोर्ट्स विच इज जस्ट फ्यू आवर्स अवे फ्रॉम मक्का टू फैसिलिटेट द रिपेयर ऑफ काबा. सो दिस इज अल्लाह प्लान. एंड सुभान अल्लाह, हमको बार बार अल्लाह ताला ये याद दिलाते हैं कि आई एम द प्लानर. यू कैन डू वट एवर यू लाइक बट आई एम द वन हु प्लान्स एंड इट्स ऑल इन माई हैंड्स एंड आई डिसाइड हु विल गेट वॉट हाउ वेयर वेन. एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय अल्लाह सुभान व तआला. नाउ अल्लाह सुभान व तआला हैज रीच्ड ऑल दिस मटीरियल विच दे वुड हैव नेवर बीन एबल टू गो एंड गेट इट बिकॉज दे वुडंट नो विच वन टू गेट. And to get a craftsman, a najjar, an expert in how to assemble this or build a building through this material, subhanallah, Allah ne like in a silver platter inko sab kuch faraham kar diya. Ye raha najjar, ye raha saman, wo repair kaaba. And still they don't know what to do. So they are afraid to bring Kaaba down, even to rebuild. Now they don't know how to go about this renovation. देखिए एक renovation के लिए हमें एक decision लेना पड़ता है कि इस इमारत को गिरा कर, यानी wall टूट चुकी है तो उनको गिरा के हम नई wall बनाए नए material से, ठीक है, या उसी को repair करने के लिए ठीक रहेगा. लेकिन यहाँ दिखता था उन्हें ऐसे कि actually it's very weak construction now. It may fall off. लेकिन डर रहे हैं. क्यों डर रहे हैं? क्योंकि काबे को जो इम्पोर्टेंस इवन जहालत में थी उस वक्त भी वही इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि ये अल्लाह का घर माना जाता था. इसीलिए क्योंकि उनको ये पता था कि इब्राहिम ने ये तामीर किया था अपने बेटे इस्माइल के साथ. और इसकी बहुत अहमियत थी, ठीक है, उस वक्त भी अहमियत थी कि ये एक इट्स अ होली प्लेस, ठीक है, एंड यू डोंट ब्रिंग डाउन अ होली प्लेस. लोग ऑफेंड हो जाते हैं, आपने अल्लाह के घर को गिरा दिया. फिर लोगों को ओमन भी था ये सब किस्म का के शक शुबात के ऐसे नहीं हो कि हम अल्लाह का घर गिरा दें फिर हम पे कोई मुसीबत आ जाए, कुछ ये हो जाए वो हो जाए, तो यू नो हाउ इट इज. ओके, अब ये सब सोच रहे हैं कि क्या करें, हम किस तरह से इसको रीबिल्ड करें. एंड अजीब बात ये है कि एवरी टाइम दे ट्राइड टू गो इनटू द यू नो टू चेक द वॉल्स, उस वॉल में से एक सांप निकलता था और वो हिस करता था और ये लोग हट जाते थे. एवरी टाइम दे डिसाइडेड टू गो नियर द वॉल दैट सांप यूज टू कम, हिस करता था वो सांप और ये लोग डर के वापस बाहर आ जाते थे कि उनको लगता था ये सांप अल्लाह ने बिठाया है यहाँ पर अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए. और क्योंकि अब ओके व्हाट हैपेंड शकादर सॉरी
ओके तो अब इनको ये नहीं समझ आ रहा कि करें क्या, जब करीब जाते हैं सांप आता है, हस करता है और ये लोग डर के भाग जाते हैं। चले ये बात हो गई। अंटिल वन डे वन अ बिग बर्ड केम, बहुत बड़ा सा एक परिंदा था। उन्होंने ऐसा परिंदा नहीं देखा था वहां, एक बहुत बड़ा सा परिंदा आया और आके उस स्नेक को उठाया और उठाकर लेकर चला गया। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा परिंदा आता है और वो उसको उठाता है सांप को और उठाकर लेके दूर चला जाता है। ठीक है, अब आप देखें कि जब उन्होंने देखा कि परिंदा ने आकर उस सांप को हटा दिया तो उनको लगा ये साइन है हमारे लिए कि अब हमें कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है। जो प्रोटेक्शन थी वो सांप की वजह से, सांप जो था वो इस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर रहा था, अब सांप हट गया रास्ते से, अब हम इसको यानी ठीक कर सकते हैं। ओके अब फिर एक मुश्किल आई। अब आप देखें इट्स जस्ट रेनोवेटिंग द काबा बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन, बट एंड दे गॉट अ नजार, दे गॉट द मटेरियल आल्सो सुभान अल्लाह, मगर कितनी इनको अभी भी रुकावटें। एक तो ये कि जब वो जाते हैं तो वो सांप बीच में रोकता था, सांप अब हट गया, अब सब खड़े हैं, डिसाइड कर लिया कि दीवार को तोड़ के ना हमको नई दीवारें बनानी इस मटेरियल के साथ, ये जो मार्बल और ये जो स्लैब्स और ये जो वुड ये सब आया है ना, अब काबे को इस अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के साथ हम इसको वापस से हम उसको रेनोवेट करेंगे। एंड वी गॉट अ क्राफ्ट्समैन विद अस हु विल गाइड अस, हु विल प्लान एवरीथिंग एंड हु विल ले आउट एवरीथिंग। ठीक है, बट अब कहाँ मुश्किल है, सबसे बड़ी मुश्किल ये है काबे के ऊपर एक्स मारेगा कौन, कुल्हाड़ी कौन उठा के मारेगा काबे के ऊपर। देखें आप और मैं भी जब जाते हैं दिल चाहता है बस काबे को छूम ले, गले लगा ले, ऐसे लगता है हम अल्लाह से गले लग गए, हम अल्लाह को अल्लाह के पास उसके कदम चूम रहे हैं। आपको पता है कि वही फीलिंग उन लोगों को थी कि इट्स अ वेरी होली प्लेस, यू डोंट टेक एन एक्स एंड ब्रेक इट, ये अल्लाह का घर है। ओके कोई नबी बना के गया है, हम इसको उठा के ऐसे नहीं तोड़ देंगे, हमारे ऊपर आ जाएगा। तो जब बात निकली कि कौन तोड़ेगा तो हर कोई पीछे हट रहा है, नहीं आप तोड़ लें, आप तोड़ लें, आप गिरा दें, फिर हम सब मिलके रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने को सब तैयार है, तोड़ने को लोग तैयार नहीं है। तो अब क्या होता है कि वलीद अल मुगीरा, ठीक है, ही केम फॉरवर्ड, ओके ही टुक द एक्स एंड ही ब्रोक डाउन द काबा। ओके but no one came forward to help when he said I'll take the axe and I will go and I'll break the kaaba, kisi ko haath dena hai mere saath chal ke, sab piche khade rahe, nahi aap hi kar le. So he went and he put the axe and he started breaking the wall of the kaaba. And believe me, they were taking it as a litmus test. ठीक है, द पीपल ऑफ मक्का वर टेकिंग इट एज अ लिटमस टेस्ट के देखे क्या होता है। ओके इफ वलीद सर्वाइव्स वी विल ऑल कम फॉरवर्ड, इफ समथिंग हैपेंस टू वलीद वी विल नो इट वाज अ बैड ओमन बिकॉज ही हिट द काबा, ही इज गॉट हिट। ठीक है, आपको मैंने बताया उस जमाने में लोग बहुत ही शक शुभात रखते थे और डाउट्स और ये ओमन रखते थे कि अगर यूं होगा तो यूं हो जाएगा और यूं होगा तो यूं हो जाएगा, तो वो वाली बात है काली बिल्ली गुजर जाएगी तो सफर पे नहीं जाना चाहिए एंड ब्ला ब्ला। ओके तो बेचारे वलीद अल मुगीरा ने एक्स लेके दीवार को सबको तोड़ा, छत को भी तोड़ा, सब कुछ इस पूरे कंस्ट्रक्शन को तोड़ा ताकि इसका सारा नया कंस्ट्रक्शन बने नए मटेरियल के साथ, और किसी ने हाथ नहीं दिया। कैन यू बिलीव इट, ही हैड टू डू द होल थिंग अलोन, दे ऑल वॉच्ड हिम डू इट, nobody came forward to help him. Anyway, he did it because he had started doing it, so he had to just do it. Sab kar liya, sab ja kar raat ko so gaye aur sab pareshan the ki raat ko dekhenge
वलीद अल मुगीरा जीता है या कल सुबह आता है या गुजर जाता है, रात ही को उसको ले जाएंगे फरिश्ते उठाकर, इसने बहुत बड़ा काम कर दिया। ठीक है, सो नेक्स्ट डे दे ऑल डिसाइडेड टू इफ द मॉर्निंग कम्स एंड वलीद अल मुगीरा कम्स टू द काबा देन वी ऑल हेल्प हिम बिकॉज दैट मीन्स इट्स ओके, इट्स पास द लिटमस टेस्ट। ओके, तो ऐसे ही हुआ, दूसरे दिन वलीद अल मुगीरा पहुंचे और उन्होंने एक्स उठाई तो इन सब ने उनका हाथ बटाया और फिर सब ने मिलकर उसको हेल्प की। एंड देन नॉट ओनली जस्ट हेल्प की बल्कि दे डिवाइडेड पीपल इन फोर ग्रुप्स। ओके, रिमेंबर वन थिंग, एनीथिंग यू डू इफ देर इज एन अमीर और अमीरा, डिपेंडिंग ऑन वर्क इज अमंग द मेन और द वुमेन एंड देर इज अ स्ट्रेटजी to do things, a plan, a structured plan, ठीक है? जितना आप structured planning के साथ काम करेंगे उतना आपके काम में बरकत होगी और आपका काम कामयाब होगा, क्योंकि एक order से काम करना चाहिए। Now, what happened? They divided this whole, there were many tribes, but they are dividing now in four groups. क्यों four groups? Why four groups? Because there are four walls of Kaaba. एक एक ग्रुप को एक एक वॉल दे दी, आप ये वॉल गिराएं, दूसरी वो वॉल गिराएंगे, वो वॉल गिराएंगे और ये वॉल, इस तरह। So the tribe of Banu Abd Manaf, who are the tribe of Abd Manaf? नबी ससलम की जो tribe थी, ठीक है, directly was given the most prestigious wall, ठीक है? The most prestigious wall is the one with Hajar Aswad. That wall was given to the Banu Abd Manaf. Nabi Sallam ke jo dada ki tribe thi usko mila, theek hai? Then Banu Makhzum. Banu Makhzum is the one jo Abu Jahl ki tribe thi, theek hai? Unko mili Yemeni wall. Banu Makhzum ki bhi, they were also reputed people. To unko mili Yemeni वॉल, आपको पता है वो यमनी कॉर्नर जहां पे आ जाता है। अच्छा, देवा अब ये था कि बनू मखजूम और बनू अब्द मनाफ, इनकी राइवलरी थी, ट्राइबल राइवलरी थी, ठीक है, पहले से ही। तो बीच में था ब्लैकस्टोन, आप सोचें इस तरफ से यमनी वॉल खत्म होती है, वहां से वो हिजर अस्वद की वॉल शुरू हो जाती है, ठीक है? तो दे बोथ क्लेम्ड दैट हिजर अस्वद केम अंडर देम, उसने कहा कि ये मेरे अंडर में आता है, उसने कहा कि ये मेरे अंडर में आता है, ठीक है? द फाइट वेंट अप एंड द बिल्डिंग स्टॉप्ड। ये तो होना था, जब हम को एक वॉल मिलती है फिर उस वॉल में भी कोई चीजें हैं उसकी वजह से लड़ाई हो जाती है हमारी, तो काम रुक जाता है, कहीं भी लड़ाई होगी काम रुक जाएगा और बरकत चली जाएगी उस जगह की। काम रुक गया, फाइट बढ़ गई, उन्होंने कहा कि नहीं, हिजर अस्वद मेरे हिस्से में आता है क्योंकि यमनी वॉल के पास से मैं हिजर अस्वद तक पहुंचाऊं। बनू अब्द मनाफ ने कहा नहीं, हिजर अस्वद जिस कॉर्नर में, वो वॉल मेरे हिस्से में आती है। अब आपको पता है वो कॉर्नर में है, इट्स एट द कॉर्नर, दो वॉल्स मिलती हैं वहां पर। लेकिन अब जब ये झगड़ा पड़ गया तो 5 दिन काम रुक गया, कंस्ट्रक्शन रुक गया, बिल्डिंग रुक गई, सब काम रुक गया, ठीक है? बनू मखजूम डिसाइडेड क्या करेंगे अब हम, अब तो हम वाव कर लेंगे कि वी विल नॉट लेट एनीबडी हैंडल द ब्लैक स्टोन एक्सेप्ट अस। और उन्होंने क्या किया, अपने पूरे कबीले को बुलाया, आपको मैंने क्या बताया था कैसे ट्रीटी करते थे वो लोग, फौरन उन्होंने वो हाथ डुबा के उससे वो पेपर पे अपना प्रिंट लगाते थे कि हम सब साथ हैं, ये मेरे हाथ हैं, ये तुम्हारे हाथ हैं, तुम्हारे हाथ हैं, सबके हाथ की। अब इन्होंने
इस वक्त बहुत ही संगीन मामला था, तो अब वो किसी इंक में या रंग में हाथ नहीं लगाएंगे, दे डिप देयर हैंड्स इन ब्लड कम वॉट में। हम अपना हाथ खून में डुबाकर उसका प्रिंट करके एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करेंगे कि हम ये वॉल में से जो ब्लैक स्टोन का काम है हमारे अलावा कोई नहीं हैंडल करेगा, और हम किसी को नहीं करने देंगे। मतलब हमने खून की अब वो कर ली है, वाव कर ली, ओथ ले ली है, ठीक है। एंड दिस वॉज ट्राइबलिज्म बाय द वे, दिस वॉज द ट्राइबल मेंटेलिटी एंड जाहिल मेंटेलिटी, कि किसी भी बात पर अगर अड़ गए तो अड़ गए, और उस पर जंग खड़ी कर दी, उस पर वाव कर दिया, उस पर सब इकट्ठे हो गए, उस पर जान मार की बाजी लगा दी। दिस इज ट्राइबलिज्म एंड दिस इज जहालत। दिस वॉज द टाइम्स ऑफ इग्नोरेंस। नाउ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट नोबल मैन अमंग देम, हु वॉज ही वॉज अबू उमैया इब्न अल मुगीरा। अबू उमैया इब्न अल मुगीरा वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वाइज मैन अमंग देम। ही केम डाउन टू रिजॉल्व द मैटर ऑन द फिफ्थ डे। जब उसने देखा 5 दिन गुजर गए, कोई रिजॉल्व नहीं हो सकता ये मामला, ये तो अब अटका ही रहेगा। मामला काबे के बनने का था भाई, मामला आपकी प्रेस्टीज और प्राइड का, आपके ट्राइब का नहीं था कि कौन कौन सा करेगा काम। काम करने से मकसद था, आप लोग काम छोड़ के कौन करेगा पे लग गए। अब उस पे लेकर आपने कंस्ट्रक्शन ही रोक दिया। अब काबा है, वहां सब इबादत करते हैं, दैट्स अ प्लेस एवरीबडी कम्स फॉर पिलग्रिमेज। और आपको पता है दैट वाज द सेंटर अट्रैक्शन इन मक्का फॉर अदर पीपल आल्सो टू कम, द ट्रेडर्स टू कम, दे वुड कम टू सेल और बाय देयर मटेरियल्स, और उनका मेन अट्रैक्शन वॉज द काबा। वो आते थे, पिलग्रिमेज भी करते थे और पिलग्रिम्स को खरीदते बेचते भी थे और चले जाते थे। अब 5 दिन गुजर गए, किसी को तो सॉल्व करना था ये मसला, ये मसला रखकर तो हम बैठ नहीं सकते थे। तो अबू उमैया इब्न अल मुगीरा जो वहां के सबसे ओल्डेस्ट और वाइजेस्ट पर्सन थे, वो आए धर्म में और उन्होंने कहा कि मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब ही सेड नो ब्लडशेड, नाउ ही इज पुटिंग द टर्म्स ऑफ हाउ टू रिजॉल्व दिस मैटर। फर्स्ट ही सेड नो ब्लडशेड, नो फाइट, लेट द फर्स्ट पर्सन हु वॉक्स इन फ्रॉम द डोर टू बी द वन टू हैंडल द ब्लैक स्टोन। इट्स लाइक द लॉटरी सिस्टम। हाउ वी हैव द लॉटरी सिस्टम, वी से ओके, हम लोग कभी कोई भी चीज में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को करना हो, एंड वी डोंट वांट पीपल टू फाइट ओवर दिस, वी वांट अ फेयर फेयर डिसीजन टू मेक। सो बेस्ट इज टू डू यू नो बैलेट, जिसका नाम निकलेगा गिव दैट थिंग टू दैट पर्सन। तो उसमें ये नहीं है कि मैंने इसको अपॉइंट किया, उसने मुझे नहीं पसंद किया, उसने उसको दे दिया, ये नहीं होगा। तो अबू उमैया इब्न अल मुगीरा ने ये डिसाइड किया, सारे कबीलों को बिठा कर कहा, प्लीज साइलेंट, उधर ही रख दो, थैंक यू। हाँ अच्छा, तो उसने कहा कि देर विल बी नो फाइट, नो बैटल, नो आर्ग्यूमेंट, नो ब्लडशेड। सुबह को हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन हु एंटर्स द हरम विल बी द वन टू हैंडल द ब्लैक स्टोन। अब उसमें ये था कि वो बंदा जो एंटर करेगा हरम में, जिस भी कबीले का होगा, ये उस कबीले की फिर शान में आ जाएगा कि वो अपने कबीले के साथ जिसको चाहेगा साथ लेगा, और वो स्टोन को लगाएंगे उस वॉल में और उसको निकालेंगे उस वॉल से, वो काम वो ही करेगा सिर्फ। अब सुभान अल्लाह, जब सुबह हुई, ठीक है, सुभान अल्लाह, ये तो होना था, जैसे यू नो अल्लाह की प्लानिंग थी सारी,
कि द फर्स्ट पर्सन टू एंटर द हरम वाज रसूल सल्लम. जैसे ही वो एंटर हुए एवरीबॉडी वाज हैप्पी. सब ताक में थे कि कौन एंटर होगा, फर्स्ट पर्सन कौन एंटर होगा. और जब नबी सल्लम एंटर हुए तो सब खुश हो गए. अब आप सोच रहे नहीं है कि सब क्यों खुश हो गए, वो तो एक कबीले के थे ना, ये तो कबीले अब्द मनाफ के थे, तो बाकी सारे क्यों खुश हो गए? बिकॉज दे न्यू वन थिंग, ही वॉज अ डियर एंड लव वन फॉर एवरीबडी. हर कबीला उन्हें प्यार करता था और वो हर कबीले की इज्जत करते थे और उनका हर कबीले से रिश्ता था. ठीक है, तो हर कोई सोचता था ये हमें चुनेंगे, ये हमें चुनेंगे, ये हमें चुनेंगे. सिर्फ अब्द मनाफ का कबीला नहीं, बाकी कबीले भी यही सोचते रहे कि ये हमसे बहुत प्यार करता है, ये हमें चुन लेगा, हम हमारे सरदारान को बुला लेगा. एवरीबडी वॉज फीलिंग दैट वे. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा चारों तरफ कि सब उनसे वो उम्मीद रखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बुलाएंगे हाथ बटाने के लिए हिजर अस्वद के लिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक चादर चाहिए. तो लोगों ने पता नहीं क्यों ये मांग रहे हैं चादर, उन्हें चादर ला के दे दी. उन्होंने वो चादर बिछाई और चादर की कहा चार कोनों में चारों कबीले, कबीले अब्दुल मनाफ, मखजूम और जो बाकी दो थे, सब एक एक कोना उठाएंगे, वो उनके सरदारान. और सब ने उठाया और नबी सल्लम ने उसमें रखा हिजर अस्वद और उठाकर वो चारों चारों ने उनको हेल्प करी. तो चारों इन्वॉल्व थे ऑफ लिफ्टिंग द हिजर अस्वद, टेकिंग इट टू द वॉल, एंड नबी सल्लम फिक्स्ड इट वेयर इट इज टुडे. ठीक है, तो वहां तक चारों कबीलों ने साथ दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से इस बात को रिजॉल्व किया जबकि वो अभी नबी भी नहीं बने थे. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स दे चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ काबा. दे चेंज फोर थिंग्स इन काबा सो फार इन डिफरेंट रेनोवेशंस, बिकॉज उस वक्त जब ये बन रहा था काबा, ये उस वक्त जब इन्होंने जुद्दा से ये सब सामान खरीदा सीजर ऑफ रोम का और लेकर आए, तो चार चीजें इन्होंने बदल दी इन द ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन ऑफ काबा. वो चार चीजें क्या थी? क्योंकि द ओरिजिनल काबा वाज नॉट स्क्वायर, इट वाज रेक्टेंगल. ठीक है, काबा जो था वो चौकोर बिल्डिंग नहीं था, वो रेक्टेंगल था. ठीक है, रेक्टेंगल बिल्डिंग थी. अच्छा, मगर जब वो तामीर शुरू हुई और जब तीन दीवारें बन चुकी थी, आगे और बनानी थी ताकि वो रेक्टेंगल हो जाए, तो उतनी उन्होंने नोट किया, उस नज्जार ने उन्हें बताया कि इनफ मार्बल्स नहीं है, कि अगर आप इसको आगे ले जाएंगे तो दीवार लगाने के लिए मार्बल्स खत्म हो जाएंगे. तो इन लोगों ने डिसाइड किया इसको वहीं पे फोल्ड कर देते हैं और वहां पे दीवार लग गई. बस एक दीवार जितने बच गए थे मार्बल, तो इन्होंने इसको स्क्वायर कर दिया और वो जो रेक्टेंगल का जो भी इहाता था या एरिया था उस पे उन्होंने एक हतीम बना दिया. तो कुछ ब्रिक्स जो बचे हुए थे उसमें से लगाकर उसको वो हतीम बना दिया. तो एक्चुअली काबे का जो शेप था वो ऐसा था कि इट वॉज अ स्क्वायर फ्रॉम वन साइड एंड इट वॉज लाइक दिस राउंड फ्रॉम द अदर साइड. तो आज उसको हम हतीम जिसको कहते हैं, अगर आप काबे के साथ उस हतीम को भी मिला लें अपने जहन में, दैट वॉज द ओरिजिनल शेप ऑफ काबा. ठीक है, अब आप देखते हैं कि काबा में, क्योंकि सॉरी छींक आ रही है, नहीं आ रही है, डिसाइड कर ले भाई. ओके कैंसिल. ओके, तो उन्होंने इसको स्क्वायर कर दिया और उसका जो रिमेनिंग एरिया था रेक्टेंगल वाला एरिया, उसमें हतीम बना दिया. ठीक है, नाउ इट वाज एज हाई एज इट वाज एज हाई एज 15 feet. ओके, so it was
It was not as high as you see it now. 15 feet. ठीक है, 15 feet is not very high building. 15 feet इसकी ही height थी. इन्होंने उसको डबल कर दिया, तो ये डबल हो गई अब हाइट, पहले इतनी नहीं थी. ठीक है, दैट वाज द सेकंड चेंज. तो आपको चेंज गिन रहे ना, मैंने चार चेंज बताया. एक ये कि स्क्वायर कर दी बिल्डिंग, जबकि वो रेक्टेंगल थी और वहां हतीम बना दिया. दूसरी चीज कि इसकी हाइट 15 feet थी, उन्होंने उसको डबल कर दिया. तीसरी चीज कि जो काबा का जो दरवाजा था, ठीक है, बेसिकली इट वॉज इन द मिडल ऑफ द वॉल, नॉट ऑन द फ्लोर. ओके, काबा का जो दरवाजा था वो दीवार के बीचों बीच में था, ऊपर की तरफ था, नीचे जमीन की तरफ नहीं था. सो ओनली दोज हु वर परमिटेड वुड ब्रिंग अ लैडर, स्टैंड एंड गो इनसाइड. नोबडी एल्स कुड गो इन. परमिटेड पीपल वर एंटरिंग बिकॉज इट वॉज हाई अप इन द वॉल, इट वॉज नॉट ऑन द फ्लोर. ठीक है, so the only those who were permitted would go there, and so that everybody doesn't get access to the Kaaba. So darwaza jo tha wo pehle zameen mein tha, unhone usko upar, aaj bhi upar hi hai. Theek hai, aur usli seedhiyan hai wahan par, aur darwaze ko lock kar diya, aur chabi kabila Abdul Manaf ke paas rahi hamesha se, aur wo jise permission dete the sirf wo andar ja sakta tha, har koi nahi ja sakta tha. Fourth, they put the taps for the water, okay, because they realized that they cause ye jo tap lagaya tha water ka, wo lagaya isliye ki jo floods aaye the pani roof mein jama hone ki wajah se, roof crack hui, roof leak hone ki wajah se deewarein crack hui, to uske bachat ke liye unhone ye tap lagaye aur pani ko वो करने के लिए कि वो नीचे गिर जाए और इमारत को ना तोड़े, इमारत को कमजोर ना करे. ठीक है, सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सारी बात हमको बताई कि किस किस तरह से ये काबे को उन्होंने उनके जमाने में एक ऐसे रिपेयर हुआ था, तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं इंचार्ज होता आज, तो मेरा दिल चाहता कि मैं काबे को वापस उसी तरह बिल्ड करूं, विद द डोर एक्सेसिबल टू पीपल. मैं वापस से डोर को नीचे लाता और लोगों के लिए एक्सेसिबल कर देता, खोल देता, कि जिसको दिल चाहता है अल्लाह के घर के अंदर जा सके, और उनके लिए ये ईज दे देता. अब्दुल्ला इब्न जुबैर जब इस हदीस को से गुजरे और उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिज़ायर था कि अगर उनके पास इस वक्त पैसे होते, या वो अगर अभी इमारत को कुछ रद्दोबदल या रेनोवेट करने के पोजीशन में होते, तो वो दरवाजे को वापस नीचे लेके आते ताकि लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जाए. तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा कि जब हज्जाज बिन यूसुफ का वक्त था और रेल पेल थी, पैसा भी था, परवानी भी थी, मुसलमान बहुत अच्छा सब कुछ यू नो शानदार हुक्मरानी कर रहे थे इस्लामिक यू नो ममालिकों पर, जहाँ उन्होंने अपने दावा का काम फैला चुके थे, तो उन्होंने यही कहा कि हज्जाज बिन यूसुफ से कहा कि wanted to get even with Abdullah bin Zubair. Okay, he conquered Makkah, and you know Hajjaj bin Yusuf was a very tough man, he was a very tough person. He conquered Makkah, took over through all the you know catapult and rebuilt to what it looked, you know, so he again rebuilt it to square. इमाम मालिक के वक्त में लोगों ने फिर ये
तजवीज पेश की कि लेट्स डू इट अगेन, लेट्स ब्रिंग काबा टू इट्स ओरिजिनल शेप, नाउ वी ऑल हैव मनी और हम इसको वापस से बनाते हैं, और जैसा ये था कि एक साइड से स्क्वायर और दूसरी साइड से ये ओवल है तो ये रेक्टेंगुलर शेप का है, जैसा है ना हम वैसे दोबारा से बना लेते हैं। लेकिन इमाम मालिक जबकि उनके पास था कर सकते थे, उन्होंने कहा नहीं। और क्या रीज़न दी उन्होंने? बिल्कुल बजा रीज़न थी। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि काबा लोगों के हाथों में खेल बन जाए, एक तमाशा बन जाए, जिसकी मर्जी आए स्क्वायर बना दे, जिसकी मर्जी आए रेक्टेंगल कर दे, फिर किसी को पसंद नहीं आया तो फिर वो स्क्वायर। अल्हम्दुलिल्लाह so he refused to change so iski wajah se he refused to change any construction thinking। और आप सोचें, मैं भी उसी से सहमत हूं कि अगर वो ये करते बगैर किसी रीजन के, बिकॉज लोगों ने किसी किसी रीजन से किया, फ्लड आए कि वो आए, आग लग गई, या जब कुछ मसला था तो रिपेयर करने के लिए किया, पर अगर ऐसे ही जिसका दिल चाहा आगे पीछे करता रहा तो वाकई एक खिलौना सा बन जाएगा, और ये अल्लाह का घर है, वी कांट जस्ट प्ले अराउंड विद इट, कि जिसकी मर्जी आई लंबा कर दिया, चौड़ा कर दिया, ऊंचा कर दिया, नीचे कर दिया, कभी दरवाजा ऊपर जा रहा है, कभी दरवाजा नीचे आ रहा है, रहने दो, बस जो बन गया बन गया, लेट इट बी द वे इट इज एंड वी जस्ट रेनोवेट इट द वे इट इज। सो दे मेंटेन्ड इट ओवर द इयर्स द वे काबा वाज बिल्ट, एंड यस काबा वाज डैमेज्ड एंड पार्शियली डिस्ट्रॉयड ट्वाइस, एंड इट वाज रीबिल्ट ट्वाइस, एक बार आग जलने से और एक बार सैलाब में डूबने से। We completed about the about this Kaaba ka matter, और इंशाल्लाह हम जनवरी में, I think second week में we will start again with our part 14, इंशाल्लाह, and we will announce in the group, ठीक है? وآخر الدوام أن الحمد لله رب العالمين जो कुछ भी अब तक कहा गया सुना गया और जो भी बेहतरीन था वो अल्लाह की तरफ से था, और अगर कोई गलती थी तो या मेरी कमजोरी है या शैतान का फितना है। अल्लाह मुझे बेहतर काम की तौफीक अता करे और शैतान के फितने से हमें बचा के रखे, अपनी पनाह खास में रखे, अपनी ज्वार अपनी जगह अता करे, और अल्लाह हमें ज्यादा से ज्यादा इल्म नाफे अता फरमाए, और जो भी इल्म हमें हासिल होता है हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता करे, और अल्लाह कबूल कर ले हम सब का जुड़ना मिलना और इस दीन और दावा की बातों को समझना। कोई सवाल हो तो प्लीज़ यूट्यूब पे डाल दीजिए या मुझे अभी बता दीजिए अगर कोई सवाल है तो, बिफोर वी टेक अ ब्रेक एंड देन वी विल मीट इंशाल्लाह सेकंड वीक ऑफ जनवरी। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहु व बिहम्दिका, نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم। any questions?